Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Charmi. Hi, and I welcome you in my channel. After a long time, I have done a lot into makeup. I have tried my best to come up with a good appearance. तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी ये वाला वीडियो में विथ मेकअप शूट करूँ. जनरली आपने देखा होगा पास्ट वीडियोस में मैं जनरली इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती, इतना ज़्यादा क्या मैं करती ही नहीं थी. बट राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि नहीं, थोड़ा सा अपीयरेंस चेंज होने से भी हमको अच्छा लगता है. सो या कमिंग विथ मेकअप. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये कैसा लगा मेरा नया लुक विथ मेकअप. ओके, नाउ आज का टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि है बेबी फूड के बारे में. सो मैं आप लोगों को आए दिन बताती रहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोगों के पास कोई टॉपिक है प्लीज़ गिव इट टू मी. इससे क्या है ना, मुझे भी थोड़ा सा आइटम्स को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा सॉर्टेड में भी रहते हो, वरना मेरे को ना ऐसा लगता है कि आज ये वाले टॉपिक पे शूट हुआ, बैक टू बैक फिर हमारा जो स्क्रिप्टिंग चल रहा होता है दिमाग पे, तो उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं. तो ऐसे मैंने बहुत सारी स्टोरीज भी पोस्ट करी थी, एंड मैं हर एक वीडियो उसके एंड में भी बताती हूँ कि इफ़ यू हैव एनी टॉपिक्स इन योर माइंड एंड यू वांट कि मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड इन डेप्थ वीडियो बनाऊँ, सो मैं बनाती हूँ. सो यस, ये वाला वीडियो है एक डेडिकेटेड टॉपिक जिसका नाम है बेबी फूड, विच आई सेड इट अर्लियर. और वो किसी ने रिकमेंड किया था, और वो कोई और नहीं, मेरी चाइल्डहुड बेस्टी है जिसका नाम है मेघना. सो मेघो, दिस इज़ फॉर यू. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. इफ सो प्लीज़ डू अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो कि तुम्हें कैसा लगा ये वाला वीडियो. एंड आई होप कि जो तुम चाहती हो वो वाला मैं टॉपिक्स इसमें कवर कर रही हूँ और कर पा रही हूँ. जो भी है मुझे कमेंट बताएं, या फिर तुम DM भी कर सकते हो जैसे तुम कर रही हो. एंड कुछ खामी रह गई हो तो प्लीज़ सजेस्ट मी, एंड कुछ और आप नया जानना चाहते हो सो प्लीज़ मुझे बताइए सजेशन आपके. मैं आपके सामने नया ऐसा ही इन डेप्थ वीडियो लेके आऊँगी आपके टॉपिक पे. सो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए फटाफट से ये वाला वीडियो शूट करते हैं. वीडियो की शुरुआत से हमने थोड़े से ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो आप ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ ना यूट्यूब पे, तो बहुत लोगों का ऐसा कमेंट आता है कि बहुत लॉन्ग वीडियो है, थोड़ा सा शॉर्ट करो, बात ज़्यादा मत किया करो. तो मैं उसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेती हूँ. आपने मेरे पास्ट वीडियोस भी देखे होंगे, अभी बहुत टाइम से मैं ना 20-22 मिनट तक का ही रखती हूँ. कभी कभी तो कोई वीडियो इतना शॉर्ट में बना लेती हूँ कि 10-11-12 मिनट तक का ही रखती हूँ. बट ये वाला वीडियो है ना, मैं शुरू में बता रही हूँ, थोड़ा सा लंबा जाएगा, बिकॉज इस पर मेरी ना 1 से 1.5 महीने की मेहनत है. यानी कि मैंने ना पहला छोटी छोटी क्लिप्स मैंने शूट करी थी, सो दैट्स वाई ये थोड़ा वीडियो लाने में थोड़ा सा मुझे देरी हो गई. और छोटी छोटी क्लिप्स इसलिए मैंने शूट करी थी बिकॉज जब मैं ध्रुव को खाना देती हूँ, दोपहर का हो, रात का हो, कोई भी खाना हो, तो उसकी ना क्लिप्स शूट करनी होती है, तो मैंने वो कर रही थी. और हर एक खाना में रिपीटेटिव होता है. जैसे मेरा डिनर तो फिक्स ही हो गया था, मैं उसको या तो खिचड़ी, घी, दही वगैरह डाल के देती हूँ, या तो मैं उसको दही चावल दे देती हूँ, तो उसका वो कम्फर्ट फूड है और उसको बहुत अच्छा लगता है रात में वो खाने के लिए. तो बाकी का जो भी चेंजेस रहता है वो मेरे मॉर्निंग या तो फिर नून में भी रहता है. मोस्टली तो मेरा लंच में ही चेंजेस रहता है. जनरली मैं ब्रेकफास्ट में भी फ्रूट्स वगैरह ही इंट्रोड्यूस करती हूँ. तो रेसिपीज़ बहुत ही कम हो रही थी, और मैं लगातार एक 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 पोर्शन जो है वो काफ़ी दिनों तक फॉलो भी करती थी, तो उस वजह से थोड़ा सा लॉन्ग टेकिंग प्रोसेस है छोटी छोटी हर एक रेसिपीज़ की क्लिप निकालना और उसको रीएडिट करना, तो थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है. दैट्स वाई ये वीडियो थोड़ा सा लेट लाइव हुआ है मेरी चैनल पे, क्योंकि मेरा बेबी अभी ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का हो जाएगा. सो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कोई मत बोलना कि ये वाला वीडियो बहुत ही लॉन्ग वीडियो है. तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि मैं ना ये वाला वीडियो में थोड़ा सा टॉपिक्स में इंक्लूड करना चाहती हूँ. सो दिस इज़ जस्ट नॉट अ बेबी फूड वीडियो ओनली. बेबी फूड के बारे में तो आपको पता चल ही गा ही,
कि रेसिपीज़ क्या है, क्या क्या हम खिला सकते हैं, क्या न्यूट्रिशन हम डाल सकते हैं, ये वो, ठीक है। बट हम थोड़ा सा फन फैक्ट्स और थोड़े से मीथ्स में भी हम काम करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि सब कुछ एक वीडियो में इंक्लूड करना बहुत ही ईजी रहेगा, और मोम्स कैन आइडेंटिफाई इफ़ अ न्यू मदर जो बेबी को फूड खिलाना चाहती है और उसका अन्नप्राशन करना चाहती है, लाइक मेरी तरह जो फर्स्ट टाइम मॉम बनी है और उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या करना होता है, क्या क्या हम दे सकते हैं। मतलब मेरी तरह बहुत ही स्केप्टिकल होती है हर एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करने में, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने में। तो व्हेन इट कम्स विद अ बेबी, तो मेरा भी यही हाल था कि जब ध्रुव का बारी आया अन्नप्राशन का, सो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल। तो हाँ, चलिए डिवाइड करते हैं ये वाले वीडियो को फटाफट से पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट है ये वाला वीडियो में कि हम अन्नप्राशन बेबी को कब और कैसे कराएं। सो अन्नप्राशन की बहुत सारी आर्टिकल्स है गूगल पे, मैंने भी बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे, मेरे फैमिली में भी बहुत लोगों ने बोला था ये करो वो करो, है ना, हमको बहुत सारे गाइडेंस मिलते हैं फैमिली में से भी। तो एक तो वो हो गया, गूगल भी हो गया, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। आई हैव रीड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स जब मैं ध्रुव का अन्नप्राशन कराने गई थी। और थर्ड आती है टर्म्स पीडियाट्रिशियन की, यानी कि डॉक्टर्स हमारे। तो मैंने ना पीडियाट्रिशियंस का कंसल्ट किया था जो कि पुणे में, जिनसे मैं पहले बताती थी। अब मैं, मेरा वो पीडियाट्रिशियन नहीं है जो पहले था पुणे में, बट जब वो थे तब उन्होंने मुझे गाइड किया था। आप नहीं मानोगे कि वो वाले पीडियाट्रिशियन ने हमको क्या बोला था। वी वर लिटरली इन अ शॉक, और पहले हमको लगा कि थोड़ा सा मैं तो बहुत ही चूजी हूँ डॉक्टर के मामले में, तो मैंने तो क्लिनिक से निकलते ही हर्ष को बोला कि ये वाले डॉक्टर, मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो बात बोली वो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं करवाई। उन्होंने बोला कि 4 मंथ्स के बाद आप बेबी को कुछ भी दे सकते हो, लाइक यू कैन स्टार्ट विथ द सॉलिड्स। और वी वर शॉक्ड कि 4 महीने के बालों को हम क्या ही दे, मतलब फिर मैं बहुत ही डाउट केस में आ गई। फिर मैं वहाँ पे गई ही नहीं जब उन्होंने मुझे बोला कि आप दे सकते हो 4 महीने के बाद। फिर मुझे उन पे ही डाउट आने लगा। आई डोंट नो ही इज़ गुड इन हीज टर्मिनोलॉजी, बट एज अ ह्यूमन बींग वी आर नॉट डॉक्टर, बट हमको लगता है ना कि यार समथिंग इज़ रॉन्ग विद द स्टेटमेंट व्हाट वी हर्ड एज वी आर नॉट डॉक्टर। फिर हम जो मेरे नेटिव राजकोट में हम जहाँ पे दिखाते थे वहाँ पे पीडियाट्रिशियन में हम कंसल्ट किए, तो उन्होंने बोला कि 6 महीने तक आप मतलब मत करो। फिर यहाँ पे एक और जगह बताया तो उन्होंने बोला कि 5वें महीने तक आप मत करिए, उसके बाद आप कर सकते हो। थोड़ा सा मुझे वो जेन्युइन लगा कि हाँ ठीक है। और हमारे गुजराती में भी वो होता है कि पांचवा पूछाई, तो उस सेंस में भी आप आगे उसका अन्नप्राशन कर देते, यानी कि हम गुजराती में बोलते हैं उसको अबोटिया। आई डोंट नो आप की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, बट गुजराती में उसको बोलते हैं अबोटिया, इंग्लिश में बोलते हैं उसको राइस सेरेमनी, और हिंदी में बोलते हैं उसको अन्नप्राशन। तो मैंने ऑलरेडी अन्नप्राशन का वीडियो डाला हुआ है मेरे चैनल पे कि मेरा ध्रुव का साथ अन्नप्राशन का डे कैसा गया। उस दिन था बहुत ही अच्छा सा मुहूर्त, वो दिन था वसंत पंचमी का दिन, और काफ़ी अच्छा रहा। प्रोसेस जो थी वो बहुत ही स्मूथ रही, एंड वी एंजॉयड एंड ब्लेस्ड। तो वो अगर वाला आपने व्लॉग नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे डाल दूंगी, आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ध्रुव ने कैसा अन्नप्राशन किया है। आपका प्यार देने के लिए शुक्रिया, और आगे भी आप लोगों का प्यार ऐसे बनाए रखना। चलिए बैक टॉपिक पे आते हैं। तो हमने डेट डिसाइड किया कि वसंत पंचमी में करते हैं ये वाला। मैंने मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ से बात कर लिया, और मेरी मम्मी से भी मैंने बात कर ली थी। दोनों एक पेज पे थे, दोनों मम्मियाँ एक पेज पे थी कि हाँ जो मेरी मदर इन लॉ ने बोला सेम थी मेरी मदर ने भी बोला, तो बोथ द मदर्स इन द सेम पेज। ओके, तो हमारे तो गृहस्थी में वैसे ही होता है, तो जैसे ही दोनों मम्मियाँ ने मुझे वही बोला, तो हर्ष ने भी, मतलब हम दोनों ने एज अ पेरेंट्स आमने सामने बैठ के बात भी किया कि हाँ ऐसे ऐसा भी अभी करना है, सॉलिड स्टार्ट कर। सो वी हैव डिसाइड कि वसंत पंचमी इज़ अ ग्रेट डे। उसके बाद मैं ना अकेले में थोड़ी सी कंफ्यूज्ड थी, तो मैंने बहुत सारे गूगल में आर्टिकल पढ़े। कोई बोलता था कि 6 महीने के बाद आप करा लीजिए, कोई बोलता था कि 6 महीने से पहले आप दे सकते हैं। अभी देखिए आउट ऑफ इंडिया में क्या ट्रेंड है, मैं आपको बता देती हूँ कि आउट ऑफ इंडिया में बेबी को ना थोड़ा सा 4 साढ़े 4 5 महीने में उन वो दे देते हैं, और उसके बाद वो सीधा सॉलिड स्टार्ट कर देते, बिकॉज वो वर्किंग मदर रहती है और
यहाँ पे बहुत सारे, अभी इंडिया में भी मदर जो है वो वर्किंग है, लाइक मी, मैं भी वर्क करती हूँ, बट यहाँ पे हमारा जो इंडियन कल्चर के अनुसार हम 6 महीने के बाद देते हैं, बट इट इज़ टोटली ओके अगर आप मेरी तरह कन्फ्यूज न्यू मॉम है तो दोनों वे ओके है, बट ये ध्यान रखिए कि 5 महीने तक आपको अपना ब्रेस्ट फीड या तो फॉर्मूला मिल्क पिलाना है, जो भी आप जारी रखते हो, बोथ आर इक्वली गुड, बट ब्रेस्ट फीड अगर आपको आता है तो ऐसा माना जाता है कि ब्रेस्ट फीड इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर बेबी, क्योंकि उसमें भगवान ने खुद ही उतने ही न्यूट्रिशंस वैल्यू डाली होती है जो बच्चों को एक्चुअल में नीड होती है, भले ही उसमें आपको लगता है कि बहुत ही वाटरी है, यू नो बड़े बुजुर्ग के बोल जाते हैं हमको कि अरे उसने तो एक बार ही सुसु कर दिया उसका तो हो गया, मतलब उसको वापस फीड कराना, दैट इज़ ट्रू, आई अग्री, बट उसमें द थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज कि उसमें जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो अमाउंट है, उस पर से उसको कोई पानी मत दो, अगर अरे बहुत सारी धूप है पानी दे दीजिए, नहीं देना है वो पानी, देना ही नहीं है, एंड जो डॉक्टर बोल रहे हैं उस पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए, वी आर नॉट डॉक्टर्स, राइट, तो कोई डिसीजन लेने का हमको वो हक नहीं है एज अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी आई एम सेइंग, बाकी बींग अ पेरेंट्स यू कैन डिसाइड एनीथिंग सेफ फॉर योर किड। बैक टू टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि बार बार वो अलग अलग टॉपिक आते हैं तो मैं डाइवर्ट हो जा रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट टू। ये वाला जो सेक्शन है ना, मैंने फैक्ट्स एंड मिथ्स पे डिवाइड किया है, जो कि फूड के रिलेटेड हमारे लोगों में ऐसी मान्यताएं सब जगह अलग अलग होती है, तो जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, जितना मैं फॉलो करती हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपको ये वाले सेक्शन में बताना चाहती हूँ। सो बहुत सारे ऐसे मिथ्स है कि जैसे मैंने पहले वाले पार्ट में भी बताया कि अरे बहुत अभी समर का टाइम है, बच्चे को बहुत ही प्यास लग रही होगी, उसको फीडिंग के ऊपर भी आप पानी दे दीजिए ना, बच्चा अभी बहुत ही छोटा है, उसको नहीं देना चाहिए, इट इज़ अ फैक्ट, वो वाला था, वो मिथ था कि आपको पानी देना है, बट दिस इज़ नॉट अ ट्रू। आपको 6 महीने से, मतलब जब से आप सॉलिड नहीं स्टार्ट किया होता है ना बेबी के लिए, तब तक आपको ऊपर ब्रेस्ट फीड तो फॉर्मूला मिल्क के अलावा उसको कुछ देना ही नहीं है। बच्चे का पेट आराम से भरा होता है, भूख लगती है तो वो रोता है, कुछ भी होता है वो रोता ही है, उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, अभी रोने लगा है तो आप ऐसा मत कंक्लूजन पे आइए कि उसको प्यास ही लगा होगा, उसे भूख ही लगा होगा, कुछ भी उसको दर्द होता है ना तो वो रोएगा, उसको कुछ होगा वो भी रो देगा, उसको कोई लैंग्वेज आती ही नहीं है, तो ऐसा मत मानिए कि हाँ समर है उसको प्यास लगी होगी इसको पानी दो, मत देना। नेक्स्ट थिंग, जब 6 महीना हो जाता है आपने सॉलिड स्टार्ट कर दिया, तो कोई कोई आके बोलता है अरे सॉलिड स्टार्ट किया ना ऐसा ही दे दो, ऐसे मत देना। जैसे हमें आदत नहीं होती कुछ कुछ चीज़ें, फॉर एन एग्जाम्पल आपको बोलूँ कि जब हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा जो क्विजिन है, वी आर नॉर्मल ईटिंग अवर इंडियन कल्चर क्विजिन, जैसे हम गुजराती होते तो गुजरू खाना खाते हैं, महाराष्ट्र होते तो वो मराठी वाला खाना खाते, कलकत्ता बंगाल के होते वो उनका खाना खाते, मतलब हर एक स्टेट वाइज सिटी वाइज उनका कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, राइट, तो वो उस टाइप पे खाना खाते। जब हम आउट ऑफ इंडिया कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा कहीं वो नहीं मिलता, वो फूड नहीं मिलता, तो हम कैसे ऐसे हो जाते कि नहीं यार मुझे वो खाना है जो मेरे इंडिया में मिलता था, और जब हम बैक टू इंडिया आते तो वी आर लाइक कि फूल कि हाँ अभी चलो ठीक है हमको हमारा खाना मिल गया। लाइक वाइज बेबी के लिए भी वही होता है, जैसे ही हम उसको ब्रेस्ट फीड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो जो बच्चे ने 5 या 6 महीने तक लगातार ब्रेस्ट फीड लिया हो या तो फॉर्मूला मिल्क लिया हो, तो उसको मिल्क की कंसिस्टेंसी कैसी होती है आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप मदर है तो आप लोगों को ये जान के पता ही होगा कि ब्रेस्ट मिल्क की कंसिस्टेंसी कितनी पतली होती है, लाइक हमारा जो जनरल मिल्क आता है उससे एक बहुत पतली कंसिस्टेंसी होती है ब्रेस्ट मिल्क की, सो ब्रेस्ट मिल्क सीधा आप सॉल पर डाइवर्ट कर अपने बच्चे को, तो इतना हार्श मत होइए अपने बच्चे पे कि अरे हम ऐसे ही दाल चावल खा रहे तुम भी ऐसे ही ठूस लो, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे ही अपने ब्रेस्ट मिल्क की कंसिस्टेंसी होती है ना अर्लियर स्टेज पे, आपको वैसी कंसिस्टेंसी पे ही आप उसको खिलाना चाहिए, ताकि बच्चे को पता चले, उसके टेस्ट बड नहीं होते, उसको कोई टेस्ट पता नहीं होता कि उसको कुछ पता ही नहीं होता, आपको आपको हर एक चीज़ उसको सिखानी है, ठीक है,
तो बहुत ही पेशेंस पे इस चीज़ पे काम करिएगा, चाहे कोई भी स्टेज हो, कोई भी माइलस्टोन हो, बच्चे के साथ आपको बिल्टअप कराना हो। मैं पहले भी वीडियोस में शेयर किया है, अभी भी मैं शेयर कर रही हूँ। आई नो दिस इज़ अ डाइवर्जन ऑफ दिस टॉपिक, बट एवरी किड इज़ डिफरेंट, एवरी किड इज़ डिफरेंट, ठीक है। और हर एक बच्चे का गुण अलग अलग होता है। अभी मेरा ही बच्चा देख लीजिए ना, आई कैन नॉट कंपेयर विद अदर किड्स, राइट। उसको वो क्रॉलिंग नहीं आता है, इट इज़ फाइन। उसको क्रॉलिंग नहीं आता तो क्या हुआ, वो अच्छे से बैठ पा रहा है, अच्छे से बोलने की कोशिश कर रहा है, अच्छे से उसका टीचिंग स्टार्ट हो गई है, उसको दांत आने की प्रोसेस शुरू हो गई है। तो वो भी क्या काम है अपने आप में, बहुत बड़ी बात है। तो उसको चेरिश करिए, हर एक मोमेंट को एंजॉय करिए, अपने मदरहुड को, अपने पेरेंटहुड को एंजॉय करिए, ना कि किसी के साथ कंपेयर करिए कि अरे उसका बच्चे तो ये हो गया। वो होते ना हमारे हार के वो बच्चे होते हैं तो भाग दौड़ में वैसा, अरे उसने बच्चे ने तो 90% ले लिया, हमारे बेटे ने तो सिर्फ 50 ले लिया। उतना वो आप यू नो टेंशन मत लीजिए, और उतना आगे तक का सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। डोंट कंपेयर विथ एनी अदर किड, विथ योर किड। एवरी किड इज़ डिफरेंट इन द वर्ल्ड। आप डिफरेंट, आपका हस्बैंड डिफरेंट, आपका ब्रदर सिस्टर डिफरेंट है, एवरी थिंग इज़ डिफरेंट एंड एवरी किड इज़ डिफरेंट। सो बैक टू टॉपिक अगेन, तो ये मैं बोल रही थी कि जब भी आप सॉलिड सॉरी जब भी आप मिल्क से सॉलिड वेस्ट ट्रांसफ़र करते हो, तो प्लीज़ आप ट्राई करिए कि जो भी उसकी कंसिस्टेंसी है उस पर आप बने रहिए। ग्रेजुअली यू इंक्रीज, और वो भी जो हमारे राइस के, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे दाल चावल हम खा रहे हैं, वो स्टेज उसके आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रॉपर 11-12 महीना, ठीक है। 8 मंथ्स के बाद अब क्या करिए, राइस को ओवर बिल्ड करना है, ठीक है, 7.5 से 8 महीने के बाद। जैसे बच्चा अभी, सपोज आप मान लीजिए कि आपने 6 महीने के बाद सॉलिड स्टार्ट कर दिया, तो 6 से 8 महीना मतलब 1.5-2 महीने की आपकी वो जर्नी रहेगी सॉलिड पे, आपको भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसके बाद बच्चे को भी थोड़ा सा टेस्ट बड डेवलप होगा, अरे इसको ये खाने से अच्छा लगता है, फिर वो हाथ आगे करेगा, उसको वो चाहिए। अभी नाउ आई नो कि मेरे बेटे को क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या नहीं अच्छा लगता, मतलब जब हमको पता कैसे चलता है। अगर मैं कुछ उसको फूड, पहले क्या होता था ना कि जब वो अंडर 6 मंथ, मतलब मैंने 5-5.5 में वो स्टार्ट कर दिया था सॉलिड, ठीक है, तो जब मैं उसको बीट रूट और कैरेट की प्यूरी देती थी, एकदम अच्छे से बॉईल करके उसको मिक्सी में पीस के उसको दे देती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था। बट नाउ डेज उसको नहीं अच्छा लगता, मतलब उसे हाथ पे हिलाता रहता है। कर्ड राइस देती हूँ ना तो उसे हाथ आगे कर देगा, अरे वाह मम्मा मेरे लिए खाना लेके आई, उसे कर्ड राइस है। उसको डिनर में कर्ड राइस देती हूँ, बहुत उसको अच्छा लगता है, या तो फिर खिचड़ी वगैरह में दे देती हूँ, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो उसका जेस्चर से हमको पता चल जाता है कि माई बेबी इज लविंग द फूड। तो बस आपको भी ऐसे ही करना है, आपके बच्चे को खाने से प्यार होना चाहिए, आपका बच्चा जब आप खाना लेके जाए तो उसको चाव से खाना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन द मीथ एंड फैक्ट्स, कि हम ऐसा बोलते हैं कि आज आपने ये खाना दिया है तो कल दूसरा देंगे, पर परसों कुछ और देंगे। सो जनरली हम इस पर द बेस्ट प्रैक्टिस, बेबी को जो भी हम फूड दे रहे, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आज हमने उसको एप्पल इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट डे, उसको एप्पल प्यूरी दी है, तब को लगातार 3 दिन तक उसको सेम टाइम पे वही देना है। इससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि बेबी को कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है ना, वो इजीली डाइजेस्ट कर पा रहा है, उससे अच्छा लगेगा। 3 दिन वही सेम टेस्ट उसके मुंह में जाएगा, बिकॉज एज आई सेड कि उसके पास कोई टेस्ट बड नहीं होता है, तो उसके मुंह में वही टेस्ट जाएगा। और आपको भी पता चल जाएगा कि बच्चे ने अच्छे से वो डाइजेस्ट कर रहा है, अच्छे से वो पोटी कर रहा है। तो ये एक फैक्ट था, और आज की ये फन फैक्ट के मिथ के सेक्शन में लास्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू इंक्लूड, वो छोटा सा पॉइंट है, बट मेरा मन ही नहीं करा कि मैं इसको छोड़ दूँ, मुझे इंक्लूड करना था। सो टू ऑल द मॉम्स आउट देयर, आई नो हम अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हो, अपने बच्चे को बहुत ही गोलू मोलू सा चबी चबी वाला देखना चाहते हो, बट इट इज़ ओके अगर आपका बेबी गोलू मोलू नहीं है, उसके गाल इतने नहीं निकले, वो इतना मोटू सा नहीं है, इतना क्यूटू सा नहीं है। आई नो द फीलिंग्स बहुत अच्छी होती है जब बेबी को इतना अच्छे से ग्रोथ होते हुए देख रहे हो और देखना चाहते हो, बट जब बेबी सॉलिड स्टार्ट करके जब ऐसा बोल देना, ऐसे मुंह ऐसे ऐसे कर दे और ऐसे हाथ पैर ऐसे ना के
चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको फूड वहाँ स्टॉप कर देना है, उसको नहीं खिलाना है ज़बरदस्ती। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मॉम्स के लिए, बट यू मामा कैन डू इट। डोंट फोर्स बेबी टू ईट ओवर फूड, सो उसको अच्छा नहीं लगेगा और आपको वो अच्छा नहीं लगेगा कि वो नहीं खा रहा है। तो आई नो इट्स अ हेक्टिक टास्क फॉर यू माइट बी, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आई एम लाइक वो चिल पिल मॉम कि उसको नहीं खाना है, ठीक है, उसका पेट भूख लगेगी, रोएगा या फिर कुछ ना कुछ बोलेगा, तो मैं उसको दे देती हूँ। अभी तो वो थोड़ा सा अच्छे से चेष्टा भी वो कर रहा है कि ना बोलने में सीख रहा है, कि ऐसे ऐसे कर देता है, ऐसे हाथ फैला देता है या फिर ऐसे साइड कर देता है फूड को, बहुत ही अच्छे से चेष्टा भी वो दे रहा है। टच वुड, आई एम रियली रियली हैप्पी। तो जो भी है आपके मोमेंट्स का बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। एंड लास्ट पार्ट जो कि है पार्ट 3 ये वाले वीडियो के, वो बहुत ही लास्ट पार्ट है, और वो क्या है लोगों को पता ही है, रेसिपीज़। तो कुछ रेसिपीज़ मैंने ध्रुव जो अर्लियर स्टेज पे वो था, मुझे ये वाला वीडियो वैसे भी लाइव देना ही था, वो तो ठीक है, मेघू ने मुझे रिक्वेस्ट डाला, बट एनीवेज़ वो ये वाला वीडियो मैं लाने ही वाली थी फॉर श्योर। तो मैं शुरू से ही थोड़े बहुत ऐसे क्लिप्स भी मैंने निकाले जब ध्रुव की अर्लियर स्टेज में उसको दे रही थी। तो एंजॉय करिए सारी रेसिपीज़ को, मैं हर एक स्टेज पे जो जो फूड्स मैंने इंट्रोड्यूस करे हैं तो वो दे रही हूँ, बट डिनर में एज आई सेड में फिक्स्ड मेरा रूटीन है। तो चलिए रेसिपीज़ को एंजॉय करिए मेरी।
सो आशा करती हूँ आपने सारी रेसिपीज़ को थरली एंजॉय किया हो, कुछ सीखा हो, या फिर कुछ अगर ऐसा लगे जो मुझे सीखना है प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं जल्द ही मेरे ऐसे ही वीडियो के साथ। बट जाने से पहले एक बात इंक्लूड करना चाहती हूँ जो मैं भूल गई थी, वो है होममेड सेरेलेक के बारे में। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगी कि आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। होममेड सेरेलेक बहुत ही गुड एंड परफेक्ट ऑप्शन होता है, बहुत ही अच्छे से न्यूट्रिशन रिच रहता है और डाइटरी में इंक्लूड करना चाहिए। हमने बहुत सारे सेरेलेक्स आए दिन यूट्यूब पे देखते रहते हैं कि इसने राइस सुखा के ग्राइंड करके पहले भिगोते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, उसको रोस्ट करेंगे, फिर उसको मिक्सचर करेंगे। यार वो बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है हर एक चीज़ का सेरेलेक का, स्पेशली व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। बट जनरली प्लीज़ ऑफेंस में मत लीजिएगा, दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स माई किड, ओके, एंड आई एम शेयरिंग माई थॉट हियर। तो जो मेरा मानना है कि बच्चा बहुत ही छोटा होता है और अंडर वन ईयर के एज ग्रुप को मैं वो प्रीफर नहीं करती हूँ, और मैं आई गेस ये सजेस्ट भी करूँगी कि ऐसा वाला वीडियोस देख के आप अपने बेबी के लिए ऐसे सेरेलेक्स मत बनाइए कि जो उसमें ऐसे कच्चे चावल को रोस्ट कर देता है, फिर उबालने में आप कितना ही उबालोगे। जैसे नॉर्मल चावल पकते उसको आराम से 15-20 मिनट तक उबालना होता है, और ऐसे चावल को आप इतना अच्छे से नहीं उबालोगे, और आप बोलोगे कि उसने उबाला है, भिगोया है, फिर उसने रोस्ट किया, तो वो प्रोसेस 50% स्क्रैच तक आपको करनी ही पड़ेगी, तो उतना आप नहीं उबालोगे। और मेरा मानना है कि वो थोड़ा सा डाइजेशन को स्लो कर देता है वो प्रोसेस को, एंड उसको मतलब बेबी को थोड़ा सा इजी नहीं रहता है उस चीज़ों को डाइजेस्ट करने में। तो फूड ऐसे खिलाए जो बेबी को इजीली डाइजेस्ट हो रहा है। तो मैंने इजीली डाइजेस्ट होने वाला एक होममेड सेरेलेक जो मैंने मेरे पर्सपेक्टिव से बनाया, आई होप यू विल लव इट। और अगर वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, मैंने मेरे IG हैंडल पे भी वो पोस्ट किया है। अगर आपको मेरा IG हैंडल नहीं मालूम है तो दिस इज़ माई IG हैंडल, प्लीज़ चेक दिस आउट। ऑल द रील्स में अल्टरनेट डेज पे वो पोस्ट करती रहती हूँ, कुछ नई नई रील्स जो कि ट्रेंडिंग है मदर किड का, या फिर कोई भी ब्यूटी रिलेटेड या प्रोडक्ट रिव्यू के रिलेटेड। तो अगर आपने मेरा अभी तक IG हैंडल फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर फॉलो कर लीजिएगा, और मुझे आपका ढेर ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लेके आती रहूँ। सो प्लीज़ मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, एंड मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैंने बहुत देखा है कि यार आप लोग एंड तक मेरा वीडियोस देखते हो बट मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट, कमेंट करिएगा अगर आपके पास कोई है, और या मिलते हैं जल्द ही ऐसे वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।